So let's start. Today's topic is your number formatting. Basically, we first understand the concept of what do you mean by number and then what do you mean by formatting. Correct? Now suppose, agar maine yahan pe likha, is position pe maine likha hua hai 100, so this is known as your number. Lekin ye 100 likha hai, to ye 100 rupees hai ya dollar hai? Nahi pata na sir. Aur agar maine yahan pe likha hai 50, तो क्या ये 50 केजी है, 50 लीटर्स है? नहीं पता ना सर हमें. तो आप क्या करेंगे, इसके साथ में लिखेंगे केजी और इसके साथ में क्या लिखेंगे, 100 रुपीस. करेक्ट ना सर? ऐसा लिखा तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है. चलो देखते हैं क्या प्रॉब्लम होगी. अगर मैंने इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया रेट के साथ में तो कुछ हो रहा है क्या? सो योर वैल्यू इज नॉट गेटिंग कैलकुलेटेड, योर वैल्यू इज नॉट गेटिंग कैलकुलेटेड. तो अब यहां पे मुझे यूज करना है नंबर फॉर्मेटिंग का. किसका सर? नंबर फॉर्मेटिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वन. क्या बोलो? कंट्रोल प्लस वन. करें नंबर फॉर्मेटिंग बेसिकली क्या होता है, हम अपीयरेंस के लिए कुछ और यूज करेंगे और रियल में आपका डेटा कुछ और होगा. क्या मैंने बोला? अपीयरेंस के लिए कुछ और यूज करेंगे और रियल में कुछ और होगा. बराबर ना? आपने एलिफेंट देखा है, कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा. एलिफेंट का टीथ देखा है? उसके बारे में कुछ ऐसे मुहावरे या ऐसा स्लोगन है कुछ? हाथी के कुछ खाने के दांत और फिर भी ये नम्रता बोलती नहीं. देखा पहली बार सुना है. हाथी तो देखा ना, कि वो भी पहली बार ही सुना है. वेरी गुड. हाँ, उसके दांत को नहीं देखा ना. ओके, सो आपने देखा रहेगा कि हाथी के बारे में हम बोलते हैं ना, खाने के दांत अलग और दिखाने के. तो ये नंबर फॉर्मेटिंग में भी एक्चुअल में वो होगा कुछ और आपको मैं दिखाऊंगा कुछ और. मेरा टॉपिक समझा? एक्चुअल में आपके लिए कुछ और होगा और दिखाई कुछ और देगा. करेक्ट? चलो सर जरा ट्राई करते हैं. अब अगर इस डेटा में मैं लिखता हूं 10 kg, क्या लिखा? 15 kg, 12 kg, 85 kg, 65 kg, ऐसे कुछ डेटा लिखा हुआ है और यहां पे अमाउंट दे दिया 150 rupees, 160 rupees, 180 rupees, अरे करेक्ट 90 rupees, और यहां पे दे दिया 150 rupees. सर अब मैं अगर इनका मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे यहां पे आंसर नहीं दिखाई दिया. आया क्या आंसर? ओके. अब जब आप यहां पे क्लिक करते दिखाई क्या दे रहा है? 10 kg. और रियल में यहां पे देखो क्या लिखा है? 10 kg है ना. यहां पे भी रियल में क्या लिखा है? 150 rupees. और यहां पे भी दिखाई क्या दे रहा है? मतलब दोनों सेम है ना. अब जरा मैं नंबर फॉर्मेटिंग का यूज करता हूं. मैंने ये डेटा को सिलेक्ट कर लिया, अरे ये डेटा को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल वन क्या प्रेस किया? कंट्रोल वन प्रेस करने के बाद मैं चला गया कस्टम. किधर? अगर किसी को यहां से नहीं जाना है तो आई हैव अनदर वे. आप यहां पे जाओ, किधर क्लिक करेंगे? नंबर, कस्टम एंड देन ओके. यहां से भी आप जा सकते हैं या फिर आप यहां से भी जा सकते हैं, नंबर फॉर्मेटिंग, कस्टम एंड, या फिर आप यहां से भी जा सकते हैं. अरे गाइस समझ में आया? किधर से भी जाओ बट जाना इधर है, किधर? नंबर फॉर्मेटिंग एंड कस्टम. क्लियर एवरीवन? या फिर बेस्ट पार्ट कंट्रोल वन. यहां जाने के बाद कस्टम में आप सबसे पहले आपको लिखना क्या है? 10 kg ना, मतलब नंबर कितने? दो. अरे नंबर कितने हैं? तो यहां पे 2 times 0, हाउ मेनी टाइम्स? और डबल कोट्स में यहां पे लिखना केजी. अरे क्या लिखना? डबल कोट्स में केजी. गाइस क्लियर हुआ? ओके. अब यहां पे जाते हैं एक बार वापस कंट्रोल वन. हमारे पास नंबर कितने हैं? 3 digits है ना, तो यहां पे हाँ 2 भी है. थोड़ी देर में आता हूं, पहले 3 को मेंटेन कर लेते हैं. हाउ मेनी टाइम 0 स्पेस और डबल कोट्स में रुपीस. ओके. अब यहां पे सिर्फ मैं लिखता हूं, देखो 10. अरे मैंने क्या लिखा? 10. यहां पे लिखा 20, 30, 50, 60. सर कुछ ऑटोमेटिक भी आया क्या? ऑटोमेटिक कौन आया? केजी आया. चलो यहां पे भी किया 150, 160, 140, 180, ऐसे समथिंग. ऑटोमेटिक कुछ आया क्या? क्या आया ऑटोमेटिक? रुपीस. अब अगर मैंने इसको बोला, सर दिखता तो दोनों सेम है. अब मैंने बोला इसको मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो और एंटर.
अब जरा चेक करो क्या हुआ। तो सर वहां क्यों नहीं आया और यहां क्यों आया? क्योंकि यहां पे क्या था, नंबर फॉर्मेटिंग नहीं था। अब जरा मैं इसको क्लिक करता हूं, दिखाई क्या दे रहा है वो बोलो, 10 kg। और रियल में इधर देखो क्या दिख रहा है, इधर दिखाई क्या दे रहा है, 150 रुपीज। और इधर, तो इसका मतलब रियल में वो है 150 और आपको सिर्फ अपियरेंस के लिए वो रुपीज दिखाई दे रहा है, रिपोर्टिंग पर्पस के लिए, किसके लिए, बट रियल में ये रुपीज तो है ही नहीं। इसीलिए मैंने बोला था टीथ ऑफ एलिफेंट, आपने हाथी के दांत सुना ना उसके बारे में, तो ये दिखाने के दांत है किसके, और कैलकुलेशन करने वाले ये फिगर है आपके बैक साइड में। नहीं समझा है, समझा करेक्ट। तो इसके लिए यहां पे कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, बात समझ में आ गई। ओके थोड़ा और एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, बट आई थिंक दिस इज क्लियर ना एवरीवन। और एक एग्जांपल देखते हैं, यहां पे आ गया, क्या लिखा है, इनवॉइस नंबर। अब मैनेजमेंट ने बोला सर एक इनवॉइस नंबर दे दो, क्या दे दो, इनवॉइस नंबर। पहले मैं यहां पे लिखता हूं ICA/1250/19-20, ये मैनुअली लिखा है मैंने, क्या लिखा है, मैनुअली। ओके अब जरा मैं यहां से ऑटोमेटिक करके बता दूं, करेक्ट, मेरी कंपनी का नाम क्या है, ICA, इसका मतलब ये सारी लिस्ट में ICA तो आएगा ही आएगा। उसके बाद स्टूडेंट का ये या इनवॉइस नंबर क्या है, 1250, और फाइनेंशियल ईयर क्या, 99, तो फाइनेंशियल ईयर विल ऑल्सो रिमेन सेम। जो चेंज होगा वो क्या चेंज होगा, इनवॉइस नंबर, करेक्ट। इसको सेलेक्ट कर लिया Ctrl+1 और चले गए किधर, कस्टम। सबसे पहले डबल कोट्स में लिखना है ICA/, गाइस दिस मच क्लियर, अरे क्लियर क्या नहीं। उसके बाद जीरो देना है, 1 2 3 4, हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स, करेक्ट। उसके बाद डबल कोट्स में /19-20, फिर से डबल कोट्स क्लोज, ओके। अब जरा ध्यान से देखना, 1250, अरे क्या लिखा, ओके क्या लिखा, 1250 ना, 1252 1253 1254 1256 1257 1200, अरे जो भी चाहिए लिख दो आप, सब आ रहा है या नहीं आ रहा है, अरे आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये जो स्पेस है ना कम हो गई है, यहां पे डबल क्लिक करो तो दिखाई देगा, आया क्या सब, अरे आए क्या नहीं आए, लेकिन मैंने लिखा क्या है जरा ये तो बताओ, इसमें से मैंने क्या लिखा, मैंने तो सिर्फ खाली 4 डिजिट ही तो लिखा है, सो बाकी का ऑटोमेटिक किसने दिया, नंबर फॉर्मेटिंग ने। क्या क्या दिया सर, ICA दिया, स्लैश दिया एंड /19-20। अब इसका प्रॉब्लम थोड़ा सा देखते हैं सर, अगर गलती से बंदे ने बोला हमारा तो 2 ही डिजिट है तो क्या आ गया, 00 आ गया। उस बंदे ने बोला मेरा तो 1 ही है, इसका मतलब है 0 इज ऑटोमेटिकली मेंटेन बाय, 0 इज ऑटोमेटिकली मेंटेन बाय नंबर फॉर्मेटिंग। अब इसका जरा सोल्यूशन देखते हैं, अरे देखना चाहोगे ना सोल्यूशन इसका, क्या नहीं, क्या आपको बोलूं करके बताओगे, नहीं ना। अब इसका सोल्यूशन हम क्या करेंगे, जहां पे आपने 0 लिखा है ना, क्या लिखा है, जहां पे 0, तो सारे 0 को निकाल दो और उसके जगह पे हैश लिख दो, अरे 0 के जगह पे क्या, तो हैश को चेक किया, हैश से क्या हुआ, तो हैश नेवर मेंटेन द डिजिट्स, जितना लिखा उतना ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने 1 लिखा तो 1 ही आया, अरे 1 ही आया, यहां पे 11 लिखा तो, यहां पे 111, यहां पे 4 times 1, मेरी बात समझ में आ गई क्या, क्लियर हुआ, तो दोनों में डिफरेंस क्या था, यहां पे क्या यूज किया था, और यहां पे क्या, चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, मोबाइल नंबर देखा है कुछ लोगों ने, मोबाइल नंबर जब स्टार्ट होता है तो कुछ समवेयर लाइक दिस, +91 98 9869746990, ये देखो क्या हो गया, इसको क्या लिखा था, 91 +91 space 98 6974। अब कंप्यूटर ने इस तरह का नंबर तो मुझे नहीं दिया ना लिखने के लिए, पर मैं तो यही लिखना चाहता हूं, तो फिर से वापस जाएंगे किधर, Ctrl+1, अरे किधर, किधर, और यहां जाने के बाद मैंने लिख दिया +91, क्या लिखा,
प्लस 9 1, उसके बाद स्पेस लेके यहाँ पे दिया 2 4 6 8 और 10। गाइस समझा? अब यहाँ जाने के बाद 9 8 6 9 7 4 6 9 9 0। अरे नहीं समझा के समझा? तो अब मुझे सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा और बाकी का कौन लिखेगा? नंबर फॉर्मेटिंग। तो प्लस 9 1 कौन दे रहा है और हम क्या दे रहे हैं? समझा? आप में से किसी ने मोबाइल का रिचार्ज कराया क्या? करा है? कैसा होता है वो रिचार्ज? हाँ ये कूपन ही बात कर रहा हूं मैं, है ना? आपने देखा रहेगा वो कुछ ऐसे ऐसे आते हैं, ऐसे ऐसे आते हैं, है ना, और बाद में ऐसे ऐसे आते हैं, और बाद में जब इसको आप स्क्रैच करेंगे तो नंबर मिलते हैं ना। तो हम भी कुछ ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे हमारे नंबर आने चाहिए। अरे क्या आने चाहिए? हमारे नंबर। समझ गए? कंट्रोल 1 किधर? कस्टम में जाने के बाद मैंने 3 टाइम 0 दिया और फिर क्या दे दिया यहाँ पे डैश, फिर से क्या दिया 3 टाइम 0। लेकिन ये ऐसे नहीं आएगा, आपको यहाँ पे डबल कोट्स में डैश देना होगा। अरे डैश किस में देना होगा? डबल कोट्स में। नहीं समझे मेरी बात? और उसके बाद हम करेंगे ओके। करें? अब मैंने नंबर लिखा यहाँ पे, क्या वो डैश मैंने कहीं लिखा है क्या? नहीं। अरे बोलो क्या हूं? तो ये डैश कौन मेंटेन कर रहा है? नंबर फॉर्मेटिंग, है ना? अच्छा या नहीं है? हमारा काम कम हो गया। अरे क्लियर ना? तो इस तरह से आप क्या यूज कर सकते हैं? नंबर फॉर्मेटिंग, करेक्ट। अब यहां पे एक डेट दिखाई दे रहा है। सिस्टम से जब भी आप लोगे तो डेट ऐसे ही आएगा। आप बोले नहीं सर मुझे डेट ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए पहले ईयर आना चाहिए, फिर मंथ, फिर डे। उल्टा कंट्रोल 1, इसको जाके बोलो नंबर फॉर्मेटिंग को मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए। पहले वाई वाई, फिर एमएम, फिर डीडी। अरे क्या हुआ? हुआ क्या? चेंज हुआ? फिर किसी बंदे ने बोला नहीं नहीं सर हमको तो सिर्फ चाहिए वाई वाई डैश एमएम, ये लो। फिर किसी ने बोला नहीं सर हमको तो सिर्फ चाहिए एमएम डैश डीडी। चेंज हो रहा है ना? लेकिन रियलिटी में जब आप यहां पे क्लिक करेंगे तो वो डेट। समझ में आई बात? खाली दिखाई दे रहा है ये, क्योंकि दिखाने के दांत है ये। अरे नहीं समझा मेरी बात? तो यहां पे लिखा डीडी डैश एमएम डैश वाई वाई, करेक्ट। स्पेस यहां पे दे देता हूं फॉर एग्जांपल डीडी। अब क्या किया मैंने? अरे डेट के साथ में उसका डे भी ऐड कर दिया। तो ये पैटर्न एक्चुअल में क्या है वो यहां पे देखो, एक्चुअल में है वही, लेकिन हमने यहां पे दिखाया अपीयरेंस के लिए। तो नंबर फॉर्मेटिंग का यही काम होता है कि अपीयरेंस को चेंज करना। किसको? अपीयरेंस को चेंज करना। मेरी बात समझ में आ गई? करेक्ट ना? इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन है नंबर फॉर्मेटिंग में, बट वेन वी गो बैक टू द एडवांस, कब जाएंगे एडवांस के टॉपिक में, तब वहां पे और बताऊंगा। सो अभी एटलीस्ट बेसिक के पार्ट में हमने ये सीखा कि नंबर फॉर्मेटिंग एग्जैक्टली व्हाट डज इट मीन, काम कैसे करता है नंबर फॉर्मेटिंग। अरे क्लियर हुआ है ना? तो ये नंबर फॉर्मेटिंग के अलग अलग वेज है जो आप अपने प्रैक्टिकल में इनवॉइस बनाने में उसका यूज कर सकते हैं। सो लेट अस स्टॉप टुडे सेशन दिस। इससे रिलेवेंट अगर कुछ क्वेरीज होगी तो वापस आप मुझे मेल कर देना या फिर कॉल कर लेना। ओके, सो लेट अस स्टॉप टुडेज टॉपिक, दैट इज नंबर फॉर्मेटिंग। सो लेट्स स्टार्ट, टुडेज टॉपिक इज योर नंबर फॉर्मेटिंग।